हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज इशिका गुप्ता एंड आई मेक वीडियोस रिलेटेड टू मेकअप, फैशन, डीआईवाईज एंड अ लॉट मोर। और आज की वीडियो होने वाली ब्लू स्मोकी आई लुक। इसे आप फेस्टिवल पे या पार्टीज के लिए या अपने इंगेजमेंट पे भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 तो सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का टोनर। ये पोमीग्रेनेट टोनर है। टोनर आपके फेस को बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश कर देता है और आपके पोर्स को भी मिनिमाइज़ करने में हेल्प करता है। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ऑरेंज जेल फॉर मॉइस्चराइज़र। मेकअप से पहले मॉइस्चराइज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होती है और आपका मेकअप भी ज़्यादा देर तक टिका रहता है आपके फेस पर। अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करेंगे मेकअप के पहले तो आपके जो ड्राई एरियाज़ होते हैं वहाँ पे आपके मेकअप स्टिक हो जाएगा और वो फाइन लाइन्स बन जाएंगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए अपने फेस को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। ये लैक्मे का प्राइमर है। प्राइमर आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करने में हेल्प करता है और आपकी ऑयल सिक्रीशन को भी रोकने में हेल्प करता है। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है तो टी जोन एरिया पे अपने थोड़ा अच्छे से प्राइमर अप्लाई कीजिएगा, जिससे आपकी ऑयल जो सिक्रीशन होती है उसके चांसेस कम हो जाए और आपका मेकअप ज़्यादा देर तक रह सके आपकी स्किन पे। उसके बाद मैं यहाँ फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी। फाउंडेशन आपको बहुत ही कम अमाउंट में अप्लाई करना है। बहुत ही ज़्यादा फाउंडेशन नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फाउंडेशन आपने अप्लाई कर लिया तो आपका फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा केकी हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन लेके अपने फेस पे लगा लीजिएगा। और अगर आपको कहीं पे भी स्पेसिफिक एरिया में कम लगे तो दोबारा थोड़ा सा लेके आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं यहाँ ब्लेंड कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर को आपको पहले वेट करना है, उसके सारा पानी स्क्वीज़ कर लेना है, उसके बाद यूज़ करना है। और आपको ब्यूटी ब्लेंडर को डैब 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 करके यूज़ करना है। एंड नेक्स्ट अब मैं करने वाली हूँ अपने आईब्रोज। आईब्रोज को मैं स्पूली से पहले कोम कर लूँगी अच्छे से। एंड नाउ उसके बाद मैं फिल करूँगी आई शेडो से। मैं ब्लैक आई शेडो यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। आप चाहो तो आईब्रो पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको ब्रश से फिल करने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ मैं एंगुलर ब्रश की हेल्प से अच्छे से फिल कर लूँगी अपने आईब्रोज़ को। अब मैं अपने आईज़ को कंसील कर लूँगी। यहाँ मैं रेवलॉन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर को मैं अपने आईलिड पे और लोअर आईज़ पे अप्लाई कर लूँगी और अपने नोज़ पे और अपने माउथ के पास स्माइल लाइन्स भी बना लूँगी। और इसे भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करके ब्लेंड कर लूँगी। कंसीलर आपने जहाँ पे अप्लाई किया सिर्फ उसी जगह ब्लेंड करना है, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना अदर एरिया में। और लोअर आईज़ के कंसीलर को अपने अपर डायरेक्शन में देखते हुए ब्लेंड करना। इससे आपकी आईज़ के नीचे जो लाइंस फाइन लाइंस बनने के चांसेस है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। एंड अब मैं अपने फेस की बेकिंग कर लूँगी लूज़ पाउडर से। यहाँ मैं ADS का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इससे अपने फेस पे लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और सेम लूज़ पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ अपने आईलिड पे जो कंसीलर लगाया था उसको सेट करने के लिए। आई शेडो से पहले आईलिड का कंसीलर सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसे ज़रूर सेट कर लीजिएगा। अब मैं यूकानवे के आई शेडो पैलेट से ब्राउन ट्रांजिशन शेड लेके अपने क्रीज पे अप्लाई कर लूँगी। इसे हमें क्रीज पे ही अपने लगाना है। अब मैं लाइट पिंक शेड लेके अपने ब्राउन वो पे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। अब हम सेम प्रोसेस अपने दूसरे आई पे भी करेंगे। अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ब्राउन कलर और पिंक शेड दोनों। सेम ब्राउन शेड लेके अपने लोअर लैश लाइन पे ब्लेंड कर लेंगे। मिडल लैश लाइन तक हमें इसे ब्लेंड करना है, पूरी लैश लाइन पे नहीं ब्लेंड करना है।
अब मैं डार्क ब्लू शेड लेके अपने आईलिड पे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। पूरे आईलिड पे हम डार्क ब्लू शेड को ब्लेंड करेंगे। और सेम डार्क ब्लू शेड को हम अपने लोअर आई पे इनर कॉर्नर पे भी ब्लेंड कर लेंगे। अब मैं डार्क ब्लू ग्लिटर लेके अपने आईलिड पे लगा लूँगी। इसे इनर आईलिड से लेके मिडल आईलिड तक लगाना है हमें दोनों आईज पे। फिंगर की हेल्प से इसे लगा लेंगे अच्छे से। अब उसके बाद मैं अपना जो लूज पाउडर लगाया था उसको रिमूव कर दूंगी ब्रश की हेल्प से। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हम। अब मैं यहाँ इमेजिक का ब्लश और कॉन्टोर पैलेट ले रही हूँ। इसमें से ब्राउन ब्रॉन्जर शेड लेके अपने नोज़ को और अपने फेस को कंटूर कर लूँगी अच्छे से। अब मैं सेम पैलेट से पीच कलर का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ब्लू आई शेडो के साथ पीच कलर का ब्लश बहुत ही अच्छे से जाता है, तो इसीलिए मैं पीच कलर का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। अब मैं हाइलाइटर के ब्लश को पहले वेट कर लूँगी, उसके बाद गोल्डन कलर का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ मैं। इससे अपने चीक्स पे और नोज़ पे लगा लेंगे, फोरहेड पे भी ऐसे अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ ब्लू हेवन का मस्कारा अप्लाई कर ले रही हूँ। आप चाहे तो फेक लैशेस भी इसके बाद अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ फेक लैशेस यूज़ नहीं कर रही, सिर्फ मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं ब्लू हेवन का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। आईलाइनर को हम अपने लोअर लैश लाइन पे भी लगाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ वाइट काजल यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक काजल नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ब्लैक काजल से आंखें बहुत ही ज़्यादा बंद बंद लगेंगी और वाइट काजल आप यूज़ करोगे तो उससे आईज आपकी ओपन अप लगेंगी, तो इसीलिए वाइट काजल आप यूज़ करिए, या फिर आप काजल अवॉइड भी कर सकते हो अगर आपके पास वाइट काजल नहीं है तो। इसके बाद मैं लिपस्टिक के लिए यहाँ न्यूड शेड की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। डार्क आई के साथ आप न्यूड कलर की लिपस्टिक लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिखती है। लिपस्टिक लगाने के बाद मैंने ब्राउन लिप लाइनर से आउटलाइनिंग करके और ब्रश की हेल्प से उसे मर्ज कर दिया, जिससे बहुत ही अच्छा सा मेरे लिप्स को शेप मिल गया है। तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। एंड लास्ट थिंग, अपने मेकअप को सेट कर लेंगे मेकअप फिक्सर की हेल्प से। सो यार, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर यहाँ तक देखा है तो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अगर वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो चैनल को, बहुत ज़रूरत है। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी। कुछ भी आपको कमेंट करके बताना है तो प्लीज़ बता दो, मैं कमेंट का कर रिप्लाई करूँगी आपके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मैं लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो या मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।